हेलो वेलकम बैक. सो वेयर एम आई, यू नो मैं अभी यहाँ पे हूँ. कहाँ पे? अर्जेंटीना. यस, अर्जेंटीना रिवर में हूँ. तो ये करीब 30 घंटे का पायलट पैसेज है. तो 30 घंटा स्टीयरिंग, मैं अभी स्टीयरिंग करके आया ऊपर से. तो अभी जा रहे हैं हम लोग लोडिंग करने के लिए पोर्ट पे, ग्रेन लोड करने के लिए. तो ये आप देख सकते हो आसपास में कितना डिस्टेंस कम है, एकदम बाजू में से जाता है जहाज. तो ये देख सकते हो ना, इतना पास में जा रही. और वो साइड भी ऐसा ही है, दोनों साइड ऐसा सेम डिस्टेंस है. स्टीयरिंग करके आया वापस थोड़ा ब्रेक के बाद. दूसरा अभी ये भी है स्टीयरिंग के लिए, फिर मेरा टाइम आएगा. दो और ये भी है, उसके बाद वापस मुझे जाना पड़ेगा स्टीयरिंग के लिए. ये जो पराना रिवर है, ये साउथ सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाई जाती है और ये तीन देशों के बीच में से गुजरती है, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना. और ये करीब 4,880 किलोमीटर लंबी है. साउथ अमेरिकन रिवर्स में से ये सेकेंड नंबर में आती है लंबाई में. पहली तो अमेज़न रिवर है. Argentina is the world's number one exporter of soy meal used for animal feed and is the third largest exporter of corn. और हम लोग का भी लोडिंग अभी कॉर्न है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम लोग. यही है वो जगह जहाँ पे लोड होता है कार्गो होल्ड. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा कार्गो होल्ड कितना यूज है. काफ़ी मेहनत और बहुत टाइम लगा ये होल्ड प्रिपरेशन में. तो जो हेज क्लीनिंग है बल्क करियर में, उसके बारे में मैं स्पेशली बनाया हुआ है वीडियो. आप आई बटन में जो पॉपअप हुआ है वो देख सकते हो. तो अभी ये फाइनली होल्ड प्रिपेयर है, इंस्पेक्शन पास हो चुका है. तो अभी लोडिंग स्टार्ट होगा. तो ये जट्टी है, तो वहाँ से शूटर से सीधा जहाज पे लोडिंग. तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पोर्ट के पास. तो पोर्ट पे अलोंग साइड हो चुका है अभी. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सनराइज इधर से हो रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे लोडिंग चालू है हम लोग का शूटर से. तो अभी हम लोग कौन लोड कर रहे हैं तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो शूटर से सीधा है. कौन लोड हो रहा है? अरे पूरा डस्ट है इधर. इससे सब ये चश्मा वश्मा सब पहनना पड़ता है, डस्ट उड़ रहा है इससे. ठीक है, बाकी चल रहा है लोडिंग, दिखाते हैं आपको. तो ये नंबर वन में लोडिंग चल रहा है, आपको दिखाते हैं कौन जो लोड हो रहा है यहाँ पे अभी जहाज पे. देख सकते हो ना, ये लोडिंग चल रहा है.
एक नंबर पूरा होल्ड लोडिंग हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे। दो दिन में तो पूरा जहाज़ लोडिंग हो चुका था और फिर लास्ट में फ्यूमिगेशन हुआ और फिर हम लोग निकल चुके थे ब्राज़ील की तरफ डिस्चार्ज के लिए। ब्राज़ील पास में ही था, ढाई दिन में पहुंचने वाले थे ये जो पायलटेज पैसेज इंक्लूड करके, पर उधर एंकर मिल गया हम लोग को एक हफ्ते का। एंकर मिला मतलब पकड़ो मच्छी, अपने फ्री टाइम में मच्छी पकड़ो और काम के टाइम काम। तो एक हफ्ते का एंकरेज का मज़ा लेके हम लोग फाइनली अलोंगसाइड हो गए ब्राज़ील में डिस्चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग चल रहा था धीरे धीरे, काफ़ी टाइम लगा पर कुछ फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है, शोर लीव नहीं मिल सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो इंटरनेट का मज़ा लो शोर पे जो सिम कार्ड मिलता है वो, और अपने दिन निकल। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जो पुराना रिवर, जो लंबी रिवर काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको दिखा दिया हमें, तो होप आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो नए हैं यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है जो अगले हफ्ते में डालूँगा, वो प्रोविज़न के बारे में है, जहाज़ में कैसे खाना पीना जो रहता है प्रोविज़न उसके बारे में, जो लॉन्ड्री के बारे में, और जो चीफ कुक का संडे का बिरयानी।